Hello students, welcome to Arrowmite channel. Aaj hum seekhenge science chapter number 1, natural resources, air, water and land. Agar aap is channel par naye ho to jaldi se subscribe karo aur pass wali bell icon ko dabao taki aapko har chapters ke update milte rahein. Aapke liye playlist taiyar ki hai, taki aap sabhi science ke chapters line se dekh sako. Iski link description mein hai. So let's start. अर्थ हम सबके लिए एक शेल्टर की तरह है जहां पर सारे लिविंग बीइंग्स रहते हैं कुछ लिविंग बीइंग्स लैंड पर तो कुछ वाटर के अंदर रहते हैं कुछ लिविंग बीइंग्स अपना ज्यादातर समय स्काई में यानी एयर में बिताते हैं इस प्रकार अर्थ पर सारे लिविंग बीइंग्स या तो एयर वाटर या लैंड से कनेक्टेड है एयर को एटमॉस्फेयर वाटर को हाइड्रोस्फीयर और लैंड को लिथोस्फीयर कहा जाता है यह तीनों स्फीयर्स अर्थ पर नेचुरली फॉर्म हुए हैं विभिन्न प्रकार के लिविंग बीइंग्स अर्थ के इन तीनों स्फीयर्स में रहते हैं इन तीनों स्फीयर्स को मिलके हम बायोस्फीयर कहते हैं अर्थ का पूरा सराउंडिंग एयर्स के लेयर्स यानी कि एटमॉस्फेयर से कवर्ड है और अर्थ के सरफेस पर 71% वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर और 29% लैंड यानी लिथोस्फीयर मौजूद है लिथोस्फीयर की तुलना में हाइड्रोस्फीयर का पोर्शन बड़ा है एयर वाटर और लैंड अर्थ पर लिविंग वर्ल्ड को बनाए रखने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं इन तीनों नेचुरल रिसोर्सेज को हम और डिटेल में जानेंगे एयर एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स शामिल है ट्रोपोस्फीयर में कुल मिलके सभी गैसेस के मास 80% मौजूद है और वही स्ट्रैटोस्फीयर में 19% है मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में इन गैसेस के मास कम होते जाते हैं एक्सोस्फीयर और उसके आगे हमें कोई गैसेस नहीं मिलते आपने यह तो सुना होगा कि एयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है इन गैसेस का प्रोपोर्शन भी अलग होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन 78% ऑक्सीजन 21% आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और बाकी बचे गैसेस 0.07% है इन गैसेस के अलावा एयर में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी शामिल है एयर में गैसेस की मात्रा सरफेस के पास ज्यादा होती है और सरफेस के ऊपर जाने पर डिक्रीज होते जाती है यानी अधिक ऊंचाई पर एयर दुर्लभ होती है अर्थ पर इतने सारे गैसेस होने के कारण लिविंग बीइंग्स इन गैसेस का इस्तेमाल करना सीख गए हैं जैसे कि नाइट्रोजन का यूज अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए और फूडस्टफ की एयरटाइट पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कुछ लिविंग बीइंग्स इसका इस्तेमाल जरूरी प्रोटीन्स बनाने के लिए भी करते हैं ऑक्सीजन को हम सभी रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए करते हैं फायर एक्सटिंग्विश में भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है आर्गन गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है हीलियम का इस्तेमाल लो टेम्परेचर पाने के लिए और एयरशिप्स को ऊपर लिफ्ट करने के लिए किया जाता है डेकोरेटिव और स्ट्रीट लाइट में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है क्रिप्टन को फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में यूज करते हैं ज़ेनॉन को फ्लैश फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है इन विभिन्न गैसेस के कारण ही अर्थ पर बैलेंस बना हुआ है एटमॉस्फेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्टर है यह सन की लाइट और हीट को अर्थ पर पहुंचने देती है जो जीवन के लिए आवश्यक है और यह हार्मफुल एलिमेंट्स को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है फॉग क्लाउड्स स्नो और रेन सब एटमॉस्फेयर के कारण ही मुमकिन है अभी आप जो स्मोक देख रहे हो वो बड़े पैमाने पर अलग अलग इंडस्ट्रीज से निकलता रहता है यह स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली मिक्स होता है और इससे हमारे एयर में सही मात्रा वाली नेचुरल गैसेस अनबैलेंस होने लगती है इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं हार्मफुल गैसेस जो व्हीकल्स में फ्यूल जलाने से बड़े इंडस्ट्रीज के केमिकल छोड़ने से और यहां तक कि वुड और कोल को आधा जलाने से भी एयर पोल्यूशन होता है और आजकल यह प्रमाण बढ़ते जा रहा है ओजोन लेयर स्ट्रैटोस्फीयर के निचले हिस्से में ओजोन गैसेस की लेयर होती है ओजोन गैस को लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते लेकिन इस लेयर का होना
हम लिविंग बीइंग्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हम सब के लिए हानिकारक होती है। ओजोन गैस इस रेज को अब्सॉर्ब करते हैं, इस कारण अर्थ पर जीवन सुरक्षित रहता है। केमिकल्स जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस, जो एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर से निकल के एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे ओजोन लेयर नष्ट होती है। इसलिए ओजोन के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में ओजोन प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हो, मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे सिटीज में हैवी ट्रैफिक के जगह पर बोर्ड लगाया है, जिसमें एयर में विभिन्न गैसेस के प्रोपोर्शन के बारे में पता चलता है। इस बोर्ड की मदद से हम एयर में हार्मफुल एलिमेंट्स की मात्रा देख सकते हैं। वाटर, हम वाटर को बाथिंग, ब्रशिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स या फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। इससे आपको पता चला होगा कि हमारे लिए पानी के बिना एक दिन भी बिताना लगभग असंभव है। हमें हर दिन 3 से 4 लीटर पानी की जरूरत होती है, ताकि हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स स्मूदली चलते रहे। बाकी लिविंग बीइंग्स को भी पानी की आवश्यकता उनके शरीर के आकार के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार सभी जीव जीवित रहने के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है। नेचर में वाटर 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। वाटर को कोई टेस्ट, कलर या स्मेल नहीं होती। कई सब्सटेंसेस वाटर में आसानी से घुल मिल जाते हैं, इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। एनिमल्स के ब्लड में और प्लांट्स के सैप में वाटर की मात्रा अधिक होती है। वाटर के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है। हम अर्थ का सारा वाटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सी वाटर का पानी सॉल्टी होता है, कुछ वाटर फ्रोजन स्थिति में होता है, पीने के लिए बहुत ही कम मात्रा में वाटर उपलब्ध है। फिर भी यह वाटर हम सब लिविंग बीइंग्स के लिए काफ़ी है। हम वाटर का यूज़ बड़े पैमाने पर करते रहते हैं। हमने सीखा है कि अर्थ पर वाटर वाटर साइकिल द्वारा रेगुलेट होती रहती है। वाटर साइकिल की शुरुआत ओशन वाटर के इवेपोरेशन से होती है। यह वेपर्स रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे अर्थ पर फ्रेश वाटर का सोर्स बनता है। वाटर हमें नेचुरल सोर्सेज जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और लेक्स से प्राप्त होते हैं। इंसान जमीन से पानी निकालने के लिए वेल्स या बोरवेल्स भी खोदते हैं। इसके अलावा इंसानों ने नदियों में बांध और डैम्स भी बनाए हैं। बढ़ती पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज और फार्मिंग के लिए वाटर का यूज़ बेकाबू हो गया है, जिससे हमें अब इसकी शॉर्टेज होने लगी है। वाटर की स्केयर्सिटी अब हमारे लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लैंड, छोटे पत्थर, मिट्टी और कुछ बड़े पत्थरों से लैंड बनी हुई है। वो हर जगह फ्लैट नहीं रहती, कुछ जगहों पर हिली तो कुछ जगहों पर फ्लैट होती है। इंसानों के सहित सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड पर रहते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स शेल्टर के लिए जमीनों में गड्ढे खोदते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए लैंड का इस्तेमाल करते हैं। हम भी लैंड का उपयोग फार्मिंग और उस पर हाउसेस बांधने के लिए करते हैं। जमीनों में उगने वाले प्लांट्स और जमीन पर रहने वाले एनिमल्स लैंड का भी इस्तेमाल करते हैं। लैंड से प्राप्त मिनरल्स, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यह साबित होता है कि लैंड एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है। आइए देखते हैं कि लैंड किस चीज से बनी है। आपको लैंड सरफेस के नीचे कुछ लेयर्स दिखाई देंगे। सबसे ऊपर की लेयर्स प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से बनी होती है। इस लेयर को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। ह्यूमस सॉइल को हवा देने में और सॉइल में पानी रखने के लिए भी मदद करता है। अच्छे सॉइल में ह्यूमस का प्रोपोर्शन 33 से 50% होता है। यह आमतौर पर घने जंगलों में पाए जाते हैं। इसकी नीचे के लेयर सैंड, स्मॉल स्टोन्स, वॉर्म्स और इंसेक्ट्स से भरी रहती है। लैंड के इस लेयर के नीचे सॉइल और बेडरॉक्स के पीसेस पाए जाते हैं। यहाँ पर सॉइल इमेच्योर होती है। आगे इस लेयर के नीचे सॉइल का प्रोपोर्शन कम होते जाता है और रॉक का प्रोपोर्शन बढ़ते जाता है। इस लेयर को बेडरॉक्स कहते हैं। सॉइल के मेन मिनरल्स इन रॉक्स से प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स के सॉइल होते हैं।
सॉइल का कलर और टेक्सचर दोनों बेडरॉक्स पर डिपेंड करते हैं. प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. लैंड पर सॉइल नेचुरल प्रोसेस द्वारा फॉर्म होती है. बेडरॉक्स के वेदरिंग इफेक्ट से सॉइल को उनके एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं. सूरज की गर्मी, ठंड, पानी, हवा और बारिश के कारण बेडरॉक्स के टुकड़े होते हैं. उसी टुकड़ों से स्टोन्स, सैंड और सॉइल फॉर्म होते हैं. सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस बहुत ही स्लो और कंटिन्यूअस होती है. सॉइल की 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर बनने के लिए हजारों साल लगते हैं. फ्लड, स्टॉर्म्स और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण सॉइल नष्ट होती है. इसलिए यह जरूरी है कि सॉइल की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए और जमीन के पेड़ पौधे को काटने से रोकना चाहिए. इसका सबसे अच्छा उपाय कि जमीन पर पेड़ पौधे लगाओ. इससे होगा यह कि इनके रूट्स सॉइल को अच्छे से पकड़े रखेंगे और सॉइल को बहने से रोकेंगे. क्या आप जानते हो, बहुत सालों पहले अर्थ पर बहुत उथल पुथल मची जिससे फॉरेस्ट जमीन के नीचे दब गए. उसके बाद लिविंग थिंग्स के अवशेषों से फॉसिल फ्यूल की प्रोसेस जमीन के नीचे बनना शुरू हो गई. हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफीन जैसे फ्यूल्स मिलते हैं और टार और वैक्स जैसे उपयोगी मटेरियल हमें फॉसिल्स फ्यूल से प्राप्त होते हैं. लिविंग थिंग्स अर्थ पर अवेलेबल लैंड, वाटर और एयर को इस्तेमाल करते हैं. उसी तरह हम इंसान भी इसका उपयोग करते हैं. हालांकि इन रिसोर्सेज का प्रोपोर्शन पूरे अर्थ के मुकाबले बहुत ही कम है. इतना कम प्रोपोर्शन होने के बावजूद हम सब लिविंग बीइंग्स के लिए ये काफ़ी है. केवल इंसान को अपने लालच पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है. दूसरे शब्दों में, उसे इन रिसोर्सेज का संभाल कर उपयोग करना चाहिए, इस जागृति के साथ कि वे बाकी जीवों के लिए भी है और ना कि केवल इंसानों के लिए. तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इस चैप्टर का पार्ट 2 जरूर देखिएगा. यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं. धन्यवाद.